हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू हैव बीन वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो. आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल हैं हमारी लाइफ में. लास्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्क्राइब किया था ग्रीटिंग वर्ड्स, क्लॉक टाइम एंड एक्सप्रेशंस, रिस्पॉन्सेज ऑफ ग्रीटिंग वर्ड्स. नाउ आई एम डिक्टेटिंग सम एक्सप्रेशंस ऑफ थैंक्स, यानी कि हम वो एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम थैंक्स को किन किन तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं. देखिए, थैंक्स सुनने में बहुत सिंपल वर्ड है और बहुत ही कॉमन वर्ड है जो डेली लाइफ में हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. चाहे वो फॉर्मल वे में हम थैंक्स बोलते हैं या इनफॉर्मल वेज में बोलते हैं थैंक्स, दोनों ही वेज में थैंक्स की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है. विदाउट गिविंग एक्नॉलेजमेंट, यानी कि किसी को अगर हम थैंक्स ना बोलें तो ये हमारा ग्रेटफुलनेस नहीं है. ठीक है, हम कैसे उपकार मानेंगे किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया है. तो थैंक्स के एक्सप्रेशंस को हम अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें. नॉट ओनली थैंक्स बट ऑल्सो मैनी वर्ड्स लिंक्ड विद थैंक्स. केवल थैंक्स ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम पूरा कम्प्लीटली अगर हम कहते हैं तो तब जाके थैंक्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है. ठीक है, शैल वी स्टार्ट. थैंक्स एक्सप्रेशंस, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है थैंक यू. थैंक यू इज कॉमन. ओके, यू कैन थैंक एवरीवन. आप किसी को भी थैंक यू शब्द से ग्रीट कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ बच, थैंक्स अ टन एंड थैंक्स, दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स विच यू हियर डेली. ये ऐसे साधारण शब्द हैं जिसे आप डेली सुनते हैं. लेकिन कुछ ऐसे थैंक्स एक्सप्रेशंस हैं जो कुछ ऐसे सेंटेंसेस के साथ लिंक करते हैं, उन्हें अगर हम जब तक पूरा ना बोले तो थैंक्स कहीं ना कहीं अधूरा रहता है. तो सबसे पहले देखिए, थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क ऑन दिस. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी टीचर के सामने कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता है और इससे उस टीचर की वैल्यू और बढ़ जाती है. तो ज़रूरी नहीं है कोई स्टूडेंट ही टीचर को थैंक यू बोल सके. ओके, कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेशनल अपने एम्प्लॉयज़ को भी या अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक्स बोल सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क ऑन दिस, यानी कि आपका शुक्रिया जो भी आपने मेहनत की उस पर. नेक्स्ट देखिए, थैंक्स अगेन, वी कुडंट हैव पुल्ड दिस ऑफ विदाउट यू, यानी कि आपके बिना ये काम पूरा होना तय नहीं था, इसलिए हम ऐसे एक्सप्रेशन बोलेंगे. अगला देखिए, थैंक यू, यू आर अमेजिंग. कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं थैंक यू, यू आर अमेजिंग, यानी कि आपका काम बहुत ही अच्छा है, वंडरफुल, आप जैसा काम किसी का नहीं है. I am so thankful for everything, यानी कि जो भी आपने मेरे लिए आज तक किया है उस सब के लिए शुक्रिया. You bring to the table, यानी कि जो भी काम आज तक, जो भी फेवर आपने मेरे लिए किया है, it's very good. Thank you kindly, बहुत ही polite होकर किसी के साथ आप कहते हैं तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं thank you kindly. Many thanks, यानी कि कई बार शुक्रिया. एक बार thanks कहने से अगर काम ना चले तो हम thanks को बार बार repeat नहीं कर सकते हैं. You can say like this, many thanks. Warmest thanks, warmest thanks, यानी कि बहुत ही honor के साथ अगर आप इस चीज़ को बोलते हैं respectfully, तो एक word साथ में जुड़ जाता है welcome के साथ, warmest thanks. I truly appreciate your hard work. किसी का काम आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसकी तारीफ़ की, उसकी तारीफ़ करने के बाद थैंक्स के साथ उसको आप अटैच करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सच में appreciate मीन्स प्रशंसा करता हूँ आपके काम की. I truly appreciate you, मैं वाकई आपको appreciate करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ आपकी. Thank you very much. From the bottom of my heart, thank you. ये next है, ठीक है. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. ये कई letters में भी लिख सकते हैं आप, applications में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. Please accept my deepest thanks. यानी कि दिल की गहराइयों से, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह से कोई आपका थैंक्स करना चाहता है, तो वहाँ यूज़ आप कर सकते हैं. प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, कृपा करके मेरे शुक्रिया को आप बहुत ही गहराइयों से स्वीकार कीजिए. आई कांट थैंक यू इनफ, यानी कि ये केवल पर्याप्त नहीं है, आपसे थैंक्स बोल दिया
और आपका शुक्रिया हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, आई कांट थैंक यू इनफ इटर्नली, ओके, दैट इज इटर्नली ग्रेटफुल। इटर्नली ग्रेटफुल यानी कि अंदर से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, जो भी आपने अच्छा काम किया मेरे लिए मैं बहुत आभारी हूँ, इसलिए मैं व्यक्त कर रही हूँ क्या, इटर्नली ग्रेटफुल। नेक्स्ट इज बियॉन्ड ग्रेटफुल, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये लिमिट में नहीं है मेरा थैंक्स, ओके, बियॉन्ड ग्रेटफुलनेस माई थैंक्स इज हेयर, तो आप केवल कह सकते हैं बियॉन्ड ग्रेटफुल। ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, किसी ने आपकी मदद की हो, किसी ने आपकी हेल्प की हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मैं आपके सपोर्ट, मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। यू कैन से लाइक दिस, ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। किसी ने बहुत अच्छी ड्राइंग कर ली, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, तो उसे देख कर आप कह सकते हैं मार्वेलस, आई एम स्पीचलेस। देखिए थैंक्स के कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जो रिमेनिंग हैं। नेक्स्ट इज आई कांट बिलीव यू डिड दिस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, आपके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और बहुत सरप्राइजिंगली वो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, या आपके फैमिली मेंबर में से कोई प्लेजेंट सरप्राइज आपके लिए सामने मिलता है आपको देखने के लिए, तो आपके मुंह से निकलता है थैंक्स कहने के लिए, नॉट ओनली थैंक्स इज सफिशियंट बट आल्सो सम इमोशंस विद ग्रेट सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ सेंटेंस आप लिंक करेंगे, वो क्या है, आई कांट बिलीव यू डिड दिस, यानी कि मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि आपने ऐसा किया, वो भी प्लेजेंट सरप्राइज के साथ। दिस वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, यानी कि आपकी अच्छाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। आई डोंट नो वॉट टू से, आई डोंट नो वॉट टू से मीन्स मुझे नहीं पता कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द कोश की कमी है, मुझे क्या कहना है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो वॉट टू से मीन्स थैंक्स अ लॉट, यू आर द बेस्ट, आई वोंट हैव फिनिश्ड दिस ऑन टाइम विदाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कलीग हैं आपके ऑफिस में आपके साथ थोड़ा सा लेट काम करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, या आपके क्लासमेट, आपके हॉस्टल मेट, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपका साथ में कॉपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपका काम उनके बिना अच्छा नहीं हो सकता था, तो आपने कहा, क्या कहा, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हैं, आई वोंट हैव फिनिश, मैं इस काम को टाइम से ना कर पाती यदि आप ना होते, ओके। वॉट वुड आई डू विदाउट यू, सेम हेयर बट एक डिफरेंट तरीके से, वट वुड आई डू विदाउट यू, मैं आपके बिना क्या करती, यू आर ब्यूटिफुल, आप बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ की मदद कर दी, ओके, नाउ यू कैन टेक रिलैक्स, यू कैन टेक रेस्ट, ओके, आई विल बी देयर फॉर द रिमेनिंग वर्क, तो वाइफ के मुंह से क्या निकला, वट वुड आई डू विदाउट यू, यू आर ब्यूटिफुल, आई एम स्पीचलेस, थैंक्स अ लॉट, ओके। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर बीइंग इन माई कॉर्नर, यानी कि मेरा साइड लेने के लिए और मेरी तरफ, मेरा फेवर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर बीइंग इन माई कॉर्नर। सो ग्लैड, सो ग्लैड यानी कि मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, सो ग्लैड यू आर ऑलवेज फॉर मी, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमेशा मेरी हेल्प करेंगे, आप हमेशा मेरा फेवर करेंगे, मेरे साथ हैं, तो आप कह सकते हैं सो ग्लैड, सो हैप्पी यू आर ऑलवेज फॉर मी। और मुझे आशा है, मुझे होप है, एक पॉजिटिव होप कि आपने ये वीडियो बहुत केयरफुली देखा होगा और इसे देखेंगे, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।